क्या आपको पता है कि पुलिस के वर्दी पे ये 3 स्टार क्यों होते हैं? तो इसको समझने के लिए आपको इसके रैंकिंग को समझना होगा। तो ये देखो, पुलिस कांस्टेबल, तो इनके यहाँ पे कोई भी स्ट्राइप्स कुछ भी नहीं होता। फिर आता है इसके ऊपर SR कांस्टेबल, इसके यहाँ पे 2 स्ट्राइप्स होते हैं। इनके ऊपर की बात करें तो आता है हेड कांस्टेबल, तो इनके यहाँ पे 3 स्ट्राइप्स होते हैं। और इनके ऊपर एक लेवल और ऊपर की बात करें तो आता है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो इनके यहाँ पे 2 स्ट्राइप्स रेड ब्लू और 1 स्टार होते हैं। इनके ऊपर की बात करें तो फिर आता है सब इंस्पेक्टर, जिनके यहाँ पे 2 स्ट्राइप्स होते हैं ब्लू रेड और यहाँ पे 2 स्टार होते हैं। फिर आता है इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे इनके 2 स्ट्राइप्स होते हैं जो रेड और ब्लू और यहाँ पे 3 स्टार होते हैं। तो ये था इंस्पेक्टर की निशानी। और अगर इनके एक लेवल ऊपर की बात करें, जो इंस्पेक्टर के ऊपर लेवल पे है, तो आता है DSP डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके यहाँ पे 3 स्टार होते हैं। बट फैक्ट ये है ना कि जो इंस्पेक्टर के यहाँ पे 2 स्ट्राइप्स थे, वो इनके यहाँ पे 1 भी स्ट्राइप्स नहीं है। फिर आता है ASP असिस्टेंट एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 अशोक का स्तंभ रहता है। और अगर इनके एक लेवल और ऊपर की बात करें तो आता है SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके यहाँ पे 1 अशोक का स्तंभ रहता है और नीचे 1 स्टार। और आखिर में एक लेवल और ऊपर की बात करें तो आता है SSP सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके यहाँ पे 1 अशोक का स्तंभ रहता है और नीचे 2 स्टार रहते हैं। बस अब हो गया एंड। तो ये था इंस्पेक्टर की निशानी, कौन कितनी रैंक पे है। फैक्ट नंबर 11, गैंगनम स्टाइल के नाम से एक सॉन्ग है जो मिलियन नहीं, जो 2 बिलियन व्यूज से भी पार कर गए। जो यूट्यूब का व्यूज काउंटिंग सिस्टम था उसको ये तोड़ फोड़ कर रख दिया। अब ये देखो, जो यूट्यूब का सिस्टम था वो 32 बिट पे था पहले, तो उसमें इतना ही व्यूज दे सकता था। बट अब यूट्यूब वाले ने इसे अपग्रेड करके 64 बिट पे कर दिया, जिसमें आपको इतना व्यूज लाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 10, आप इस इमेज को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारिश का जो झरना गिर रहा है। बट फैक्ट ये है ना कि ये कोई झरना नहीं, बल्कि एक ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो ऐसी फ्रॉक पहनी हुई है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, आपके मोबाइल फ़ोन कभी ना कभी बारिश में ऐसी भींग जाती है जैसे उस पर पानी ड्रॉप कर जाती है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो पंखे के पास जाकर उसे सुखाते हैं, बट वो सूखेगा नहीं बल्कि वो फैल जाएगा। तो फैक्ट ये है ना कि अगर आप उसे चावल में ऐसे करके रखोगे ना, तो वो सारा का सारा पानी सूख लेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो, ना कि पंखे के पास। फैक्ट नंबर 8, आप इस इमेज को देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई एक इंसान जो है वो अपने हाथों में साइकिल लेकर वो लटका हुआ है। बट फैक्ट ये है ना कि वो लटका हुआ नहीं, बल्कि वो जमीन पे लेटा हुआ है और कुछ इस तरह का पिक कैप्चर करवाया। फैक्ट नंबर 7, मोर तो कभी ना कभी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, लेकिन उनके पंख जो है बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बट फैक्ट ये है ना कि अगर आप उसे जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वाओ कितना प्यारा दिख रहा है। बट अगर आप उसे और जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यार ये तो लग रहा है किसी कपड़े के बूंदे हुए हैं, गजब। फैक्ट नंबर 6, इन्फिनिटी, हम लोग सभी इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं, बट फैक्ट ये है ना, इसका नाम लेमनिस केट है। लेमनिस केट, याद रखना इस फैक्ट को, बहुत काम आएगी। फैक्ट नंबर 5, बोतल जो होती है, बोतल कोई भी स्प्राइट वाली बोतल या फिर कोई भी प्लास्टिक वाली बोतल, अगर आप उसे 100 साल भी अगर ज़मीन में गड़ कर रखोगे ना, फिर भी वो इतना डीट होता है कि वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। बाप रे। फैक्ट नंबर 4, कार जो होती है ना, कार अगर उनके एक एक पार्ट को खोल कर ज़मीन पर रख दें तो वो पता है कितना आएगा, वो आएगा 30,000 से भी ज़्यादा आएगा। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट से बनते हैं एक कार। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप जानते हो कि अभी के टाइम में हर किसी के पास फ़ोन ज़रूर होता है, हाँ वही टच स्क्रीन वाली फ़ोन। तो फैक्ट ये है ना कि जो फ़ोन की स्क्रीन होती है वो कुछ ऐसी होती है नॉर्मल, बट अगर आप उसे जूम करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और लास्ट में अगर आप हाईएस्ट जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, RGB रेड ग्रीन ब्लू, यही 3 कलर से बनते हैं बाकी के कलर्स। ये रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर है जो सारे कलर्स बनते हैं, वाओ। फैक्ट नंबर 2, आप इस इमेज को देखो, ऐसा लगता है कोई सांप है,
जी हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है ये सांप है, बट फैक्ट ये है ना कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक इंसान है जो सांप के रूप में बने हुए थे, और इसे जिम्नास्ट बॉडी कहते हैं, जिम्नास्ट बॉडी। फैक्ट नंबर वन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फैक्ट नंबर वन, सूरज जो है सुबह में लाल और फिर दोपहर में वाइट और फिर शाम होते होते फिर लाल, तो ऐसा क्यों होता है सूरज का हाल? तो आपको ये पता होगा कि ये सात कलर मिलकर ही लाइट बनते हैं, जिसमें सबसे नीचे रेड और ऊपर ब्लू होता है। तो अगर सूरज दोपहर में वाइट है तो सूरज आपके ऊपर है, फिर शाम होते होते फिर वो लाल हो जाते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, मान लो आप यहाँ खड़े हो तो सुबह में सूरज यहाँ है, और दोपहर को अगर आपकी लाइट यहाँ तक पहुँच रही है आपके पास तो यहाँ तक वो नहीं जा पाती है, क्योंकि ऊपर की लाइट जो है वो वीक पड़ जाती है, मतलब कमज़ोर पड़ जाती है। जो बाकी बचते हैं तीन कलर, सबसे रेड जो है वो आप इसे स्ट्रांग मान सकते हो। तो इसलिए सुबह की सूरज जो है वो लाल और शाम को भी लाल दिखती है। इस वीडियो का गोल है 1 मिलियन लाइक,